यूपी के संभल में शाही जमा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के सर्वे का काम हुआ पूरा। कोर्ट कमिश्नर आज चंदौसी जिला कोर्ट में पेश करेंगे रिपोर्ट। जुमे की नमाज और चंदौसी कोर्ट में सुनवाई को लेकर संभल में हाई अलर्ट। जिलाधिकारी और एसपी की मौजूदगी में पूरे शहर में हुआ फ्लैग मार्च। पुलिस ने चंदौसी जिला कोर्ट के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए पुख्ता। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। संभल में शुक्रवार की नमाज से पहले रैपिड एक्शन फोर्स की दो कंपनियां तैनात। पूरे शहर में गश्त करते दिखे रैफ के जवान। पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के गेट पर लगाया मेटल डिटेक्टर। हर आने जाने वाले की होगी सख्ती से जांच। सुबह के ड्रोन वीडियो में संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में दिखा सन्नाटा। 24 नवंबर को पथराव की घटना के बाद इलाके में पुलिस तैनात। शाही जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी के इंतजाम। मस्जिद के चारों तरफ लगाए गए 20 सीसीटीवी कैमरे। यूपी के मुरादाबाद में शुक्रवार को नमाज से पहले एक्शन में पुलिस। शहर में पुलिस की टीम ने किया फ्लैग मार्च। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा का भरोसा दिया। कहा कि सभी संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मंडल के सभी 5 जिलों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। यूपी के गवर्नर को आनंदीबेन पटेल ने संभल हिंसा के मामले में न्यायिक जांच के कमीशन के लिए गठन किया। हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्य कमेटी बनी। न्यायिक जांच कमेटी 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के हालात की जांच करेगी और 2 महीने में अपना रिपोर्ट सौंपेगी। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच आगे करेगी सुनवाई। याचिका में निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट से अपील। ये असाधारण मामला है इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाए। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस। जुमे की नमाज से पहले दरगाह में सुरक्षा बढ़ाई गई। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर स्थानीय नेताओं का आना लगातार जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। मध्य प्रदेश के खांडवा में आतंकवाद के खिलाफ निकाले गए मशाल मार्च के दौरान हादसा हुआ। 30 से ज्यादा लोग झुलसे। बॉम्बे बाजार में मार्च के दौरान मशालों में अचानक भड़की आग। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। एटीएस जवान सीताराम यादव समेत अन्य 2 लोगों पर सिमी के हमले के खिलाफ निकाला गया था मार्च। हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला तैयार। दिल्ली में अमित शाह के घर पर देर रात 2.25 घंटे तक चली बैठक में तैयार हुए फॉर्मूले को मुंबई में ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बतौर सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम पर समर्थन जताया। मुंबई में अगले 2 दिन में होने वाली विधायक दल की बैठक में होगा नेता का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार और एकनाथ शिंदे होंगे डिप्टी सीएम। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट के बदले रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी विभाग देने पर चर्चा हुई। बीजेपी गृह और शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखेगी। मराठाओं के साथ ओबीसी की भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 से 22 मंत्री होंगे जबकि शिवसेना को 12 और एनसीपी के कोटे में करीब 9 से 10 मंत्री जाएंगे। बैठक के बाद मुंबई पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने बैठक को सकारात्मक बताया। कहा कि राज्य की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत दिया है मैं उसका आदर करता हूं। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरा। एयरपोर्ट से राजभवन तक करेंगे रोड शो। डीजीपी और डीआईजी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भुवनेश्वर में डीजीपी आईजी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे। खालिस्तानी आतंक गुरपंवत सिंह पन्नू ने भुवनेश्वर में होने वाले डीजीपी आईजी सम्मेलन में हंगामा करने की धमकी दी। वीडियो जारी करके समर्थकों को मंदिरों और होटल में छिपने का निर्देश दिया। हरियाणा के मानेसर में मारा गया बिहार के सीतामढ़ी का इनामी बदमाश सरोज राय। 2 लाख के इनामी बदमाश सरोज राय पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। एनकाउंटर में एसटीएफ के जवान भी घायल। कोलकाता में पुलिस और हिंदू महासभा के सदस्यों के बीच झड़प हुई। एक पुलिसकर्मी को चोट लगी। लखनऊ में शिया मुसलमानों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाराचिनार में शिया मुसलमानों पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के पीएम का पुतला जलाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छजला ब्रिज के पास मिला संदिग्ध वस्तु। सुरक्षा को देखते हुए रोड बंद किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में नर्सिंग की 12 छात्राएं बीमार पड़ी। बाहर खाने खाने के बाद तबियत बिगड़ी। सभी का इलाज किया जा रहा है। तिरुपति के तिरुमला मंदिर पहुंची एसआईटी। मंदिर के प्रसाद में मिलावट के जांच को लेकर एसआईटी ने जांच तेज की। उदयपुर में सिटी पैलेस का गेट 4 दिन बाद खुला। आम जनता और पर्यटकों के लिए एंट्री हुई। राज परिवार में विवाद की वजह से बंद था गेट। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने खुलवाया। उत्तरी तमिलनाडु के पुडुचेरी के तटों पर पार करेगा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। तमिलनाडु के नागापट्टनम में भारी बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। मछुआरों के समुद्र में नहीं जाने की दी गई है सलाह। पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी। सरकार ने 29 और 30 नवंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के कॉलेज को बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के आईटीओ में एयर क्वालिटी गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। इलाके में हर तरफ छाई धुंध। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में स्मॉग का जबरदस्त प्रकोप। बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है एयर क्वालिटी। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के इलाके में ड्रोन वीडियो में देखी धुंध की परत। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। कोहरे के चलते आज दिखा ताजमहल। आगरा में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में। दिल्ली से काफी बेहतर है मुंबई की हवा। एक्यूआई माध्यम से श्रेणी में 139 दर्ज की गई है।